एक आदमी के पेट में दर्द करे रहे बुझलिए, अपना घर वाला कल के जाए डॉक्टर के बोले ने डॉक्टर थोड़े गंजा पी के मस्त रहे। कल के डॉक्टर साहब कल के की कल के हमारा घर में कहने के पेट में दर्द करे छे, कल के झोला लिए कि खालिए दौड़िए, कल के नहीं नहीं झोला ले हो तब लेलके बेचारा झोला डॉक्टर साहब आ शिखर खेने ने भैर मुंह। बहुत आदमी देखे शिखर खेने तो ऊ करलक बोलल कुछ नहीं, पूरा भैर मुंह शिखर लेने डॉक्टर साहब बेचारा पेट पकड़ के खाने। डॉक्टर साहब कहे बोलिए क्या बात है, मतलब वो बोले कि बोलिए क्या बात है। वो कल के डॉक्टर साहब एना बतल के पेट में दर्द हो बस बुझ गए दांत दुखा है, बस ऐसे कर लगे चिमटा लेके दांत के देख लगे तो हिले रहे बस खींच दिल के बेचारा के पेट में दर्द है इन्हें दांत वाला दर्द दोनों दर्द लेके छेद दिल के। तो कभी कभी बजो वाला बजो जैसे हम लोग को दोनों दर्द धरा दी। नारद जी कहते मालिक जब तक दीपक जलती है तब तक उसमें तेल है, झगड़ा लगाना नारद का बाएं हाथ का खेल है, आपके साथ लड़ने वाला कोई तैयार है। नारद जितना कह करके वहां से चल दिए और पूर्णिमा के समय अपने गुरु विश्वामित्र जी के पूजा के लिए भगवान ऊंचे सिंहासन में गुरु विश्वामित्र जी बैठे हैं और लाइन से राजा महाराजा सबको जो निमंत्रण दिए सब आ रहे हैं और सिंहासन पर बैठ रहे हैं। देखिए नारद जी क्या किए कि चौबट्टा रास्ता पर जाकर के बैठ गए, राजा महाराजा जो लाइन से आ रहे हैं और गुरु विश्वामित्र जी के पूजा में, तो नारद जी से पूछते बाबा आप यहां है, कहा कि हम आप लोग जाइएगा बाद में आऊंगा, आप चलिए ना हम आपका रास्ता तय करवाने के लिए चौबट्टा पर बैठे हैं। नारद जी बैठे इसलिए थे कि कौन ऐसा मूर्ख राजा होगा जो भगवान से लड़ेगा, उस मूर्ख आदमी को ढूंढने के लिए नारद जी बैठे हैं। गुरु विश्वामित्र जी ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, लाइन से राजा महाराजा बैठ गए बैठ रहे हैं। देखिए भगवान के दरबार में आनंद की सीमा नहीं, गुरु विश्वामित्र जी का पूजा करने जा रहे हैं। गुरु विश्वामित्र जी की जय हो, गुरु विश्वामित्र जी की जय हो। और नारद जी जब बैठे थे तो अंत में क्या देखे कि त्रिविक्रम नाम का एक राजा, मोटा ताजा विशाल चेहरा, मोटा आदमी का दिमाग भी मोटा होता है, एक मोटका आदमी बेचारा ट्रेन पकड़े जाए रहे, सब आदमी गंगा स्नान के समय में लटकल ले वो बेचारा वह हम लटक गए, जैसे लटकल है लटकल के बाद देख लगे कि आप जैसे से गिर जेबे, आ मोटका के पीछा में एगो फिर एक आदमी लटक गए लेकिन रहे जवान, कल के अंदर चला ना अंदर चला ना बेचारा का एटीएन हुए गेट रहे गेट से ज्यादा मोटा रहे, बस पिछला आदमी बुझ गए कि आप गिर जेबे, बस मोटका के डाने पर एक लात मार लगे कैसे बेचारा सटाक से गले अंदर सीट पर जाके बैठ रहे, आ जे आदमी मार लगे ने बुझ गए कि इमली में तब हमारा मारते से ने तो चलते ट्रेन में माफी मांग ले छी गले, कल के भाई गलती है गले कल के की भेलो कल के भूल से तोरा डाने पर लात मार लियो, कल के भाई अच्छा कर ले जे सीट पकड़ लेलो, कल के उतरियो घर इतने कृपा करी है जे केला तुम्हारे एक प्लेटफार्म में चल जाए। तो कभी कभी मोटा आदमी परेशान होता है। देखिए नारद जी चुपचाप बैठे हैं, हर ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
से राजा त्रिविक्रम आ रहा है मोटा ताजा। नारद जी सोचे इससे ज्यादा मोटा दिमाग वाला कौन मिलेगा, इसको तो जिससे कहेंगे लड़ जाएगा, अगर मोदी जी से भी कहेंगे तो तुरंत ही लड़ जाएगा। त्रिविक्रम राजा आया, बाबा बलराम देवडीसी नारद जी बोले कि आप यहां है, तो राजा साहब बोले कि बाबा आप यहां है, आपको तो भगवान के दरबार में रहना चाहिए, आप यहां क्या कर रहे हैं। देखिए तो राजा त्रिविक्रम से नारद जी बोले कि मैं इसलिए वहां नहीं जा रहा हूं कि वहां सबका अपमान हो रहा है। देखिए अपमान का नाम जो ही त्रिविक्रम सुना, कहा बाबा जब अपमान होता है तो आप बोल दीजिए, हम जेबे नहीं करेंगे। भगवान के दरबार में अगर अपमान हो रहा है तो वहां नहीं जाएंगे। देवऋषि नारद जी बोले के त्रिविक्रम भगवान राम भी राजा हैं और तुम भी राजा हो, अपने गुरु विश्वामित्र जी का पूजा करने जा रहे हैं। विश्वामित्र जी जात के क्षत्रिय थे, तपस्या के बल पर उन्होंने ब्रह्मऋषि को धारण किया, तो आज अपने गुरु का पूजा करने जा रहे हैं। लाइन से राजा महाराजा बैठे हैं, लेकिन त्रिविक्रम एक बात याद रखना, भगवान राम सबका अपमान कर रहे हैं। त्रिविक्रम कहा बाबा तो हम यहीं से लौट जाएंगे। कहा कि नहीं नहीं नहीं, जब निमंत्रण कार्ड तुमको मिला है तो जगह पर से लौटो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। कार्ड जब मिला है ना तो कार्ड का कुछ महत्व होता है। हे सुते छथने जागो महादेव, सुते छिए। यो एक जगह इन्हें कीर्तन गावे रही, 12 बज गए रात, जिनका जिनका नींद लगल जाए सुतल जेथनी, सब आदमी अपना अपना दुआर पे गलखिन छे। आ जेना विश्व बाबू नहीं बैठल छथिन, एनाही एक बूढ़ा बेचारा कम्बल उड़ के बैठल, वो बेचारा हमरा ताके हम हुनका ताकिए। कलिए धन छी बाबा, बुढ़वा कल के की बात, कलिए अपने हमर भजन सुने छे, अपने के देख के हम गाय रहे छे। कल के नहीं नहीं हम तोरा भजन सुने नहीं बैठल छो, कलिए तब कल के जल्दी खत्म करो, चौकी वाला सब जाजी मिछावन हमरे छे, हमहू सुतल जेबे भैरा जगर ना करो। है एक दिन हम और आप ऐसा सो जाएंगे कि नीचे जलावन ऊपर जलावन देकर ललसा जान मोती गाछी में फूक दिया जाएगा, नहीं जगेंगे। भैया तो नारद जी कहते गए त्रिविक्रम, राजा और प्रजा को, नारद जी कहते जरा सुन लो उसके बाद जाना, जब निमंत्रण कार्ड मिला है तो जाना तो होगा ही, और नहीं जाओगे तो पाप होगा, अपमान होगा, जाना होगा। त्रिविक्रम कहा बाबा निमंत्रण कार्ड तो हमको मिलवे किया है, कहा तो जाना होगा। कहा तो कैसे जाएंगे क्या करेंगे जल्दी आप बता दीजिए। नारद जी कहते अब मेरा काम बन जाएगा। नारद जी कहते कि त्रिविक्रम भगवान के दरबार में राजा और प्रजा को
राजा त्रिविक्रम कहा बाबा क्या बोले आप? नारद जी बोले कि राजा और प्रजा को वहां कोई प्रमाण नहीं। त्रिविक्रम अरे तू तो भी छत्री वह भी छत्री अपना मान घटा प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। देखिए चार प्रकार का दान होता है, एक होते हैं लज्जा दान, दूसरा होते हैं काम युक्त दान, तीसरा होते हैं हर्ष दान और चौथा होते हैं काम युक्त दान। लज्जा दान, हर्ष दान, भय युक्त दान, काम युक्त दान। काम युक्त दान उसे कहा जाता है कि दुर्गा माई के मंदिर में गेलिए, दोनों हाथ जोड़ दिलिए, कहलिए हे मैया हमारा बेटा को नौकरी मिल जाते ना तो सोना वाला झांप चढ़ेगा, उस दान का नाम है काम युक्त दान। होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। हैं? उस दान को भगवान स्वीकार नहीं करते। दूसरा होते हैं लज्जा दान कि आप जब रामधुनी अष्टजाम नवा कीजिएगा तो कहीं मांगने जाइएगा मिल जाएगा, और वहां का आदमी आपके यहाँ आएगा तो लाजे सखे देना ही पड़ेगा क्योंकि आप मांग करके लाए हैं तो देना तो पड़ेगा, उस दान का नाम है लज्जा दान। और तीसरा दान होते हैं भय युक्त दान, डर से देना। डर से जो दान देते हैं उस दान को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। और चौथा होते हैं हर्ष दान, जो सत्संग भजन में आप लोग दान देते हैं इस दान को भगवान स्वीकार करते हैं। प्रेम से बोलिए बजरंगबली की जय। तो नारद जी बोले कि राजा और प्रजा को वहां कोई परवान नहीं, तू भी छत्री वह भी छत्री अपना मान घटाना नहीं। ऐ त्रिविक्रम भगवान राम भी छत्री हैं और तू भी छत्री है तो अपना मान घटाना नहीं, और गुरु विश्वामित्र जी भी छत्री हैं। कहा तो आप बोलिए ना हम क्या करेंगे, आप जो कहिएगा हम आपके सामने करके चले आएंगे। नारद जी बोले कि लाइन से राजा महाराजा बैठे हैं और ऊंचे सिंहासन पर गुरु विश्वामित्र जी बैठे हैं। कहा तो हमको करना क्या है? नारद जी बोले कि सबको दंडवत प्रणाम करते जाना, और गुरु विश्वामित्र जी के आगे जब जाओगे तो एक हाथ मूंछ पर रख देना और एक हाथ से जांग पर ताल देकर लौट जाना। त्रिविक्रम को क्या मालूम का ऐसा करेंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई होगा, कुछ मालूम नहीं, सीधा साधा आदमी था। आय काल ही देख रहे गांव में जब झगड़ा भेल कलक हेरे तोरा देह में खून नहीं छो, कलक चचा तो एक तोरे आशा रुक लिये तो कब हो कि सीधे मार के गिराए दे, कलक लड़े तो हम थाना और पुलिस दोनों देख ले जब मारे बजर गिर कलक ने तोरा कलियो हल्के से मारे लिखो त्या जो इस कलियो मारे आप तो यहाँ फसान फंस गए। देखिए आप अपने मन के लगाम को कसिए, मन के लगाम को नहीं कसिएगा तो ये मन आपको गड्ढा में गिरा देगा। लाइन से चले जा रहे हैं राजा महाराजा जो लाइन से बैठे हैं सबको दंडवत प्रणाम करते जा रहे हैं, और गुरु विश्वामित्र जी देखे कि बारे त्रिविक्रम जब छोटा बड़ा आदमी को उतना मान सम्मान देता है तो हम तो राम का गुरु हैं, ना जाने हमको कितना मान सम्मान मिलेगा। मान सम्मान के लिए बेचारे परेशान होकर बैठे हैं, लाइन से सबको प्रणाम करते जा रहे हैं राजा और प्रजा को। त्रिविक्रम ने प्रणाम किया, राजा और प्रजा को त्रिविक्रम ने प्रणाम किया, प्रणाम किया। अगुरु के आगे जाकर के झट से सीना तान दिया, गुरु के आगे जाकर के झट से सीना तान दिया, गुरु के आगे जाकर के झट से सीना तान दिया, गुरु के आगे जाकर के झट से सीना तान दिया, गुरु के आगे जाकर के झट से सीना तान दिया, एक हाथ मोच पर और एक हाथ से जांग पर ताल देकर के लौट गया।
आय काल तो लवका युवक का मोछे नहीं छे की मोछ ऐठते। अब जितना लवका युवक सब पटना खगड़िया बेगूसराय में रहे सबसे पहले अपना मोछे साफ किया। तो देखिए भैया, जैसे गुरु विश्वामित्र जी के आगे सीना को तान दिया भगवान के सामने, गुरु विश्वामित्र जी कहते राम, भगवान दौड़ गए और इतना करके राजा त्रिविक्रम वहां से लौट जाते हैं। नारद जी के सामने चले आए, कहा बाबा आप जो कहें मैं करके दिखला दिया। और ऐसा जब किया तो गुरु विश्वामित्र जी सिंहासन से कूद गए। नारद जी कहे जल्दी चलो। नारद जी समझ गए कि मेरा काम बन गया। नारद जी त्रिविक्रम को लेकर के निकल रहे हैं और गुरु विश्वामित्र जी कहते राम, भगवान चले आए। भगवान कहते गुरु महाराज आज्ञा हो, आप चिल्ला रहे हैं, आपको देख रहा हूं क्रोधित है। कहा राम, अगर मैं जानता कि तू मेरा अपमान करेगा तो मैं गुरु पूजा का काम इस सिंहासन पर नहीं बैठता। सिंहासन में बैठा करके तूने अपने गुरु का अपमान किया है, मैं क्रोध में आ गया हूं, मैं तुझे श्राप देने वाला हूं, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। चरण में गिर गए। कहा गुरु महाराज कोई आपका अपमान किया है, अगर कोई अपमान किया है तो उसका नाम बोलिए, मैं उसका सर काट करके आपके आगे नहीं रख दिया तो फिर मेरा राम नाम राम नहीं। गुरु विश्वामित्र जी कहते गए राम ऐसे नहीं बताऊंगा, और जो मेरा अपमान किया है उसका नाम तब बताऊंगा जब तुम अपने प्रिय वस्तु लेकर के कसम खाओगे। भगवान राम क्रोध में आ गए, कहा मेरे गुरु का अपमान किया है, कौन किया गुरुदेव, कौन है गुरुदेव बता दीजिए, सर उसका मैं काटूंगा। गुरु विश्वामित्र जी कहते पहले प्रिय वस्तु लेकर के कसम खाओ, उसके बाद में बताऊंगा कि कौन मेरा अपमान किया है। तो भगवान राम के सबसे ज्यादा प्रिय कौन, हनुमान जी। हनुमान जी से ज्यादा भगवान किसी को नहीं मानते थे। प्रेम से बोलिए बबुआ लखनलाल की जय। और भगवान राम से उम्र में हनुमान जी बड़ा है। हनुमान जी भी भगवान को कम नहीं मानते थे। अगर हनुमान जी की कृपा नहीं होती तो श्री राम का आगमन नहीं होता। कुछ कवि का कहना है कि जब भगवान राम जन्म लिए थे तो सोमवार का दिन था, कुछ कवि का कहना है कि मंगलवार का दिन है, लेकिन जब दिन में जन्म लिए भगवान राम तो सूर्य भगवान हंसने लगे, चंद्रमा रोने लगी। सूर्य भगवान कहते हैं कहे चंद्रमा तुम तो रो रही हो, मैं हंस रहा हूं क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी कहलाए हैं, दिन में जन्म लिए। चंद्रमा जो रोने लगी ने तो भगवान राम बचपन अवस्था में चंद्रमा से कहते हैं कि चंद्रमा तुम क्यों रोती हो। चंद्रमा बोली कि हे प्रभु आप रात में जन्म लेते तो लोग आपको कहते चंद्रवंशी, आप दिन में जन्म लिए हैं तो लोग आपको कहेंगे सूर्यवंशी, तो सूर्य का नाम हो गया, मेरा नाम पीछे पड़ गया, इसीलिए मैं रोती हूँ। भगवान राम कहते नहीं नहीं चिंता नहीं करो, ये तो त्रेता है, त्रेता में हम दिन में जन्म लिए हैं तो लोग हमको सूर्यवंशी कहते हैं। द्वापर जब आएगा तो कृष्ण बन करके 12 बजे रात में लेंगे। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय। तो लोग हमको कहेंगे चंद्रवंशी, और अब त्रेता ने भी हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ए चंद्रमा अभी तो मैं बाल अवस्था में हूं, बहुत लीला करना बाकी है, मैं धनुष जग में जाऊंगा, धनुष तोड़ करके जब सीता जी के साथ शादी करके आऊंगा, शादी जब हो जाएगी, शादी होने के बाद कैकेयी के द्वारा इस अयोध्या से श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मिलेगा, 14 वर्ष पूरा करके जब मैं लौट करके अयोध्या आऊंगा तो इस राम को राजा बनाया जाएगा, जब मैं राजा बनूंगा तब मैं तुमको साथ करूंगा, लोग हमको कहेंगे राजा रामचंद्र की जय। चंद्रमा को साफ कर लिए। देखिए भगवान राम कहते हैं कि मालिक ए गुरु जी मैं प्रिय वस्तु लेकर कसम खाऊं। गुरु विश्वामित्र जी बोले हां। भगवान राम कहते हैं सुनिए गुरु महाराज, लंका गढ़ को जिसने जलाया पता लगाया श्री जानकी, अहली
जी ये सौगंध खाता पवन पुत्र हनुमान की लंका गढ़ को जिसने जलाया पता लगाया श्री जान की अलीजिए मैं सौगंध खाता पवन पुत्र हनुमान की। भगवान कहते हैं गुरु महाराज मैं हनुमान की कसम खा के कहता हूँ अगर कोई आपको अपमान किया है उसका नाम बोलिए सूर्य उदय से पहले उसका सर आपके आगे नहीं आया तो फिर मेरा नाम राम नहीं। विश्वामित्री जी कहते राम राजा त्रिविक्रम मेरा अपमान किया है। त्रिविक्रम आपका अपमान किया है क्या? हाँ कहा तो मैं उस पापी को जिंदा रहने नहीं दूंगा। ए गुरुदेव सूर्य उदय से पहले उसका सर आपके आगे आया नहीं तो फिर मेरा नाम राम नहीं। पूरे रामा दल में शोर मच गई और राज दरबार में हल्ला हो गया कि भगवान राम राजा त्रिविक्रम को मारने के लिए हनुमान कसम खाए हैं। देखिए हनुमान कसम हाँ हनुमान जी के नाम से कसम जो भगवान खाए ना तो गुरु विश्वामित्र जी को तसल्ली मिल गई। देखो महात्मा जी बेचारा हनुमान जी के पुजेरी रहे हनुमान जी के मंदिर में 5.5 फीट के हनुमान जी की मूर्ति रहे ओकर काम रहे सवेरे शाम आरती दिखेनाए अजय दान दहेज में पड़े ना दान दक्षिणा में आरती देखा ना शाम को लेकर अपना घर चल जाए 100-200-400 रोज हो जाए रे। एगो नशेबाज बेचारा की कल के नशा पीते पीते जाल जमीन टोटल डम्बन बेच ले के पत्नी कल के अब तोरा यहां नहीं रहो कि तोरा पास में अब संपत्ति नहीं छो हम बहनों करे जुकुर नहीं छी हम तोरा घर में की खेबे जाए छी। भाई के टेलीफोन कल के भाई के जब फोन कल के भाई बेचारा टेलीफोन सुन के चले ले अब भाई जब ले तो 20 गो टका लेके बेचारी जाए रहे चौक पर सब्जी लावे ले नशेबाज पति कल के कहां जाए छो कल के हमार भाई आवे छे फोन के लिए हम अब नहरा चल जेबे तोरा यहां नहीं रहो कल के अभी कहां जाए छो कल के जाए छे सब्जी कल के बाप रे बाप हमरा रहते हुए सब्जी तो जेब हो लोग हमरा दुस्त परिवार कल के दूसरे तो आप लोग छे कि सब्जी डम्मन बेच ले ले हम तोरा घर में नहीं रहवा। पति कल के नहीं ला 20 गो टका हम सब्जी लेके आवे छियो कल के तो नहीं लेके हो कल के लेके चल जेबो पत्नी के हाथ से 20 रुपया ले ले के जा रहे चौक पर सब्जी ले बीच में देखबे कहे के रोड के बगल में छे ना 2-4 गो बोतल में तारी दे के 2-4 गो अगरबत्ती जले नहीं रहे छे वो दुकान में कोनो सीमेंट बालू नहीं लगे छे जहे में तहे 5 गो बोतल में उजरा दे दियो के अगरबत्ती जला दियो दुकान दना दन चले लगे छे। बेचारा देखलक कल के केना बोतल कल के 40 रुपया कल के 20 गो आधे बोतल कल के लाओ आधा बोतल पी लिल के आ सब्जी अभी लावे बचले याद पड़ गए पत्नी सब्जी 20 गो टका दिल के अब तो मार लगते बस वो की काम कर लगे सत्संग भजन में कभी सुन लगे रह के भगवान से जो मांगिएगा मिलेगा बस हनुमान जी के मंदिर में चले गए कल के हनुमान बाबा कल के हनुमान जी पर्दा हटा दिल के कल के जल्दी 20 रुपया लो बस सब्जी लेबे कुटुंब आ रहल छे तो हनुमान जी कहां से देते सब्जी रुपया हैं एक आध घंटा बेचारा पर्दा हटा के जल्दी लाओ हनुमान जी जब नहीं दिल के उठेल के एगो बांस कल के एक बांस में इनका
सब गुरु से भेंट कर बैठे। हनुमान जी के मारे जब बांस उठेल के न से पुजेरी बेचारा हनुमान जी के मंदिर के पीछा में खैनी लटबे रे देखल के कल के रे हमरा हनुमान जी से रंगदारी टैक्स मांग रहा छे तो तोड़ देते बस दू गो 10% फेंक दिल के फेंक लगाए आगे गिर ले कल का देख लो लाठी देख लो तब दिल हो। देखिए कभी कभी रंगबाजी भी काम करता है। 20 रुपया के सब्जी लेके चल गए फिर बिहार भैया पत्नी कल के कल के सब्जी ले कल के कल के लगा 20 रुपया दिल के फिर गले पी ले के और फिर हनुमान जी के मंदिर में गले कल के 20 रुपया जल्दी लगा सब्जी लेवे हनुमान जी बेचारा कहां से देते आधा घंटा के बाद फिर उठेल के ईटा कल के नहीं देवो फिर पुजेरी देख लगे कल के रे काल लाठी ले खड़ा रहे आज देखे ईटा चलबे एक 20 टकिया फिर फेंक लगे फिर ले के सब्जी लग चल गए आ जब घर पे गए तो पुजेरी बेचारा अपना घर गए सब बाप पुत में विचार लगे कल के हे रे बेटा कल के की बाबू कल के रे एगो रंगमाज छे से दू दिना से अपना हनुमान जी से रंगदारी टैक्स लग चल जाए आ बराबर धमकी दे कल के तो की करबो कल के आज चले बड़का हनुमान जी के मंदिर में से उठाए के आ घर में रख देवे आ 1.5 फीट वाला हनुमान जी के दे देवे जे मारियो खेते तो छोटके ना। देखिए 12 से बजले राज सब बाबूत मिल के की कल के बड़का हनुमान जी को उठाए के सीमेंट वाला का आ घर में रख दिल के छोटका हनुमान जी 1.5 फीट वाला जे नहीं देखे हुए रोड के बगल में वो बस वाला गर्दा परेत परेत एकदम पूरा जाम हो जाए छोटका हनुमान जी को उठाए के वह में दे दिल के आ पर्दा डाल दिल के फिर बिहान भैखिने से बजवा पहुंच ले जम के पकड़े के डर ने पर के डर एक बार जिसको आप गलत आदत लगा दीजिएगा तो बार बार वो आपको तंग करेगा। फिर गले करके जल्दी 20 रुपया लेबो बड़का हनुमान जी दे पार छे डंडा उठेने से 1-2 घंटा भेले कल के एना नहीं देते आग एकरा मारबे पर्दा हटेल के तो बड़का हनुमान जी गायब है छोटका 1.5 फीट वाला न से बजबा कल के 2 दिना तोहर बाप रहो 20-20 रुपया दिल को आए तो छह ते को रुपया मिली। देखी अरे अन्न धन से भरल बा दौलत बेसुमार बा अरे अन्न धन से भरल बा दौलत बेसुमार बा हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार 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 बा Oh, 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 oh
हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा, हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। तो पुरस्कार का आगमन हो गया है। हमारे महंत जी श्रीमान श्री राम रतन दास बेला, जिनके सौजन्य से ये सत्संग मजन का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे मैया दुर्गा के दरबार में महंत जी के द्वारा 101 रुपया का आशीर्वाद आया है। इनके चरणों में बार बार प्रणाम। इस भजन पर अन्य धन से भारत मा, दौलत में सम्मान मा, अन्य धन से भारत मा, दौलत से सम्मान मा, हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा, 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 हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा।